सोनीपत की सब्जी मंडी में दिन दहाड़े की गई युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सोनीपत के लघु सचिवालय रोड पर जाम लगाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए लोगों व पुलिस में जमकर तूतू मैमे भी हुई, लेकिन मृतक के परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें धरना बंद करने और उन पर मामला दर्ज करने की भी धमकी दी है। बता दें कि सब्जी मंडी में उक्त व्यक्ति की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिस पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया पर कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जिससे गुस्साए परिवार वालों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना दिया। 28-30 तारीख को हमने यहाँ पर जाम लगा, पुलिस के कहने पर। हम पुलिस वाले खुद बोले के जाम लगा सकते हो आप, पुलिस के कहने पर जाम लगाया। मैं तो मेरा भाई पुलिस सब्जी मंडी में जॉब करता था, नौकरी करता था वो नीटू के पास। नीटू का ना तो नीटू मालिक आता हमारे पास मिलने के लिए कि भाई तुम आपके क्या माता जी को सांत्वना देने के लिए नहीं आता है। पुलिस प्रशासन आई हमारे पास 30 तारीख को, बोली कि आपको दो दिन का टाइम दिया जाता है, शनिवार और एतवार का, दो दिन आप रुक जाइए, सोमवार तक आपके बंदों की मुजरिमों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मुझे आज गिरफ्तारी चाहिए, 7 दिन हो चुके हैं भाई का, आज 13वां मना के आज हम सीधा यहीं पे रोड पे आया है। 13वां भी घर पे ढंग से नहीं मनाया गया हमारे हमारे भाई को